नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने जो जून का राशिफल बताया था वो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया और जो उपाय आपको बताए थे उससे आपको काफ़ी लाभ हुआ, तो उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जुलाई के राशिफल के बारे में, मेष राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों आइए जानते हैं ग्रहों का गोचर इस महीने आपके लिए कैसा है, और जिन जातकों को ग्रहों के गोचर से कुछ भी लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने महीने से मतलब है, वो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा ले। दोस्तों पहले जानते हैं ग्रहों का गोचर इस महीने किस प्रकार है। तो जुलाई के महीने में दोस्तों सूर्य कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं, सूर्य का जो संक्रमण है वो कर्क राशि में है। मंगल जो है दोस्तों यथावत कर्क राशि में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मंगल यथावत कर्क राशि में ही रहेंगे। बुध है जो दोस्तों 6 जुलाई को बुध जो आ रहे हैं कर्क राशि में, और उसके बाद 17 जुलाई को बुध जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, और 25 जुलाई को बुध जो है मार्गी हो जाएंगे। गुरु दोस्तों गुरु ऑलरेडी वृश्चिक राशि में है और वक्री हुए हैं, तो गुरु जो है वक्री होकर वृश्चिक राशि में ही भ्रमण करेंगे। शुक्र दोस्तों यहाँ पर 22 जुलाई को शुक्र जो है कर्क राशि में गोचर करेंगे, और शनि दोस्तों वक्री होकर धनु राशि में रहेंगे। राहु और केतु क्रमशः दोस्तों मिथुन राशि और धनु राशि में रहेंगे। तो दोस्तों ग्रहों की इस स्थिति के आधार पर मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार रहने वाला ये महीना, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो मासिक राशिफल है ये मेष राशि वाले जातकों के लिए एक सामान्य स्तर का राशिफल होगा। अगर दोस्तों आपको सटीक जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी कुंडली के आधार पर आपको सटीक बता सकता हूं कि आपका जुलाई महीना कैसा रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों मेष राशि के लिए ग्रहों के इस गोचर के हिसाब से जुलाई का महीना थोड़ा कष्टदायक यहाँ पर रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा महीना मैं अपने हिसाब से इसको नहीं कहूँगा, जिस तरह से ग्रहों का गोचर है जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा मेष राशि वालों के लिए नहीं रहेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं इस महीने आपको आस्था बढ़ेगी आपकी देवी शक्तियों की तरफ, आपको माता जी की तरफ काफ़ी ज़्यादा आपका आस्था बढ़ेगी आपकी, आपका मंदिर आना जाना रहेगा। हो सकता है आप वैष्णो देवी चले जाएं, हो सकता है आप कामाख्या माता के वहाँ चले जाएं, ज्वालामुखी देवी के यहाँ चले जाएं, या और भी अगर आपके कहीं कोई आस्था है तो आपका इस बार इस महीने वहाँ जाना निश्चित लग रहा है। आर्थिक पक्ष भी दोस्तों थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है। दोस्तों जानते हैं अब हम क्रमशः कि सबसे पहले जुलाई के शुरुआत के दिन कैसे रहेंगे और उसके बाद आगे आने वाले दिन कैसे रहेंगे। दोस्तों 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो दोस्तों 1 जुलाई से 10 जुलाई तक जो सूर्य और शुक्र का और राहु का जो गोचर है वो राशि से तीसरा रहेगा और चंद्रमा द्वितीय का रहेगा। तो दोस्तों स्थायी संपत्ति को लेकर आप में तनाव अवश्य यहाँ पर रहेगा, जो तनाव की स्थिति है दोस्तों वो ज़रूर रह सकती है। थोड़ा सा टेंशन जो है दोस्तों वो आपके आसपास ज़रूर यहाँ पर दिखाई देगा। हालांकि 5 तारीख के बाद दोस्तों 6-7 तारीख के आसपास स्थिति थोड़ी सी सामान्य रहने की कोशिश हो सकती है, पर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर सामान्य नहीं लग रहा है। और दोस्तों खासकर 7 तारीख यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा 7 तारीख थोड़ी सी ज़्यादा कष्टदायक यहाँ पर है। इसके अलावा दोस्तों जो बीमारी आपको इन 10 दिनों में हो सकती है वो दोस्तों आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपको हड्डियाँ और दांतों से संबंधित कोई ना कोई बीमारी यहाँ पर लग सकती है। आपसे मैं यही अनुरोध करूँगा आप अपने स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखें और अपने थोड़ा सा 10 दिन स्टार्टिंग के आप थोड़े से आराम पूर्वक निकाल लें। उसके बाद दोस्तों 11 से लेके 20 तारीख जो मध्यम महीना होता है, जो बीच का महीना होता है, उसमें देखें अगर हम बात करें दोस्तों तो 11 से 20 में दोस्तों आय आपकी सामान्य रहेगी, और दोस्तों आप वैचारिक मतभेद कहीं किसी न किसी से यहाँ पर रख सकते हैं। आपका ऑफिस में अगर जिससे आप काम करते हैं या आपके घर पे ही आपके विचार किसी से यहाँ पर मिलते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप दोस्तों अपने आप को थोड़ा सा आप अलग पाएंगे सबसे, आपकी जो सोच होगी वो कहीं ना कहीं अलग डायरेक्शन में यहाँ पर जाएगी। इसी कारण दोस्तों आपको जो दूसरों की बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा गलत लग जाएगी, और इसी के कारण दोस्तों आपको नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल में रखना है, और अपने विचारों को किसी के सामने रखने से पहले या किसी के विचार अपने ऊपर लेने से पहले थोड़ा सा आपको अपने आप को सोचने में डालना है, अपने आप को चिंतन रखना है थोड़ा सा।
दोस्तों अब बात करते हैं एंड ऑफ द मंथ 31 जुलाई 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई की। तो देखो दोस्तों एकादशी का चंद्र है और 21 और 22 तारीख के बाद ये द्वादश का रहेगा, पर बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको फायदा नहीं मिलेगा इसका। दोस्तों आपकी जो योजनाएं हैं वो अगर सफल नहीं हो रही है तो आपको मैं थोड़ा सा वेट कहूंगा कि इस महीने थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अभी एग्जीक्यूशन मत करिए, किसी भी योजना को अभी स्टार्ट मत करिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि आपका दोस्तों कहीं ना कहीं पैसा अटकेगा। पैसा अगर अटका हुआ है तो वो मिलने वाली इतनी जल्दी संभावना यहाँ पर नहीं दिख रही है। और दोस्तों अगर आप किराएदार हैं तो मकान मालिक आपको परेशान करेंगे, और अगर आपके किराएदार हैं तो आप उनसे परेशान रहेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों विदेश जाने का अगर आपका योग बनता है इस महीने तो उसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी है, अभी वीजा नहीं मिलेगा शायद, या कहीं ना कहीं पेपर्स के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं रुकावट होगी। और खासकर दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल मत लगाइएगा इस महीने, बहुत ही ज्यादा सावधानी रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों अब एक एक फील्ड की, एक एक सेगमेंट की, कि किस तरह से महीना रहेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए महीना कैसा रहेगा, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए दोस्तों ये महीना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। आपके साथ जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनके साथ आपको थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो सकती है, थोड़ा सा आपका माहौल बिगड़ सकता है, वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करेंगे, जिनसे आप सपोर्ट की अपेक्षा कर रहे थे उनसे आप सपोर्ट पूरा नहीं ले पाएंगे, इस कारण से दोस्तों आपको थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। व्यापार दोस्तों अगर आप करते हैं तो व्यापार में भी समस्याएं आ सकती है दोस्तों, यहाँ पे आपकी कोई जो पहले से प्लानिंग होगी वो पूरी नहीं हो पाएगी, एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हो पाएगा, अगर एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आएगी। शेयर मार्केट इस महीने थोड़ा सा डाउन जाने वाला है तो आपको कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कत आएगी, तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से सोच लें, और किसी से लड़ाई झगड़ा खासकर दोस्तों न करें। पारिवारिक माहौल भी दोस्तों आपके कारण थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा यहाँ पर। हाँ, हालांकि संतान से और अपनी वाइफ से अगर आपके रिश्ते हैं तो थोड़े से सामान्य रहेंगे, पर आपकी चिंता के कारण परिवार भी चिंतित रहेगा, वहाँ पर भी स्थितियाँ थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है। सेहत दोस्तों जिस तरह से आपके तनाव के दिन गुजर रहे हैं, सेहत में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी यहाँ पर चिंता आपको जरूर रहेगी, खासकर दोस्तों दांत या मुंह संबंधी समस्याएं आपको यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ सकती है, और जोड़ों से संबंधित समस्याएं आपको यहाँ पर परेशान जरूर करेगी। वाइफ से भी दोस्तों किसी न किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है यहाँ पर। हाँ, हालांकि अगर आपके कोई पैसे वाइफ की तरफ से अटक रहे हैं तो भी इस महीने थोड़े से टाल दें दोस्तों आप, क्योंकि जीवन साथी की तरफ से भी पैसा नहीं आएगा, ना ऑफिस की तरफ से आएगा, कहीं से भी दोस्तों पैसे का इस महीने थोड़ा सा प्रॉब्लम है। संपत्ति तो दोस्तों अगर संपत्ति की बात करें तो अभी इस महीने आप टाल दीजिए सारा, मेरे कहने के मुताबिक है कि आप नेक्स्ट महीने का वेट करिए, क्योंकि अगला महीना थोड़ा अच्छा आएगा, जब ग्रहों का गोचर थोड़ा चेंज होगा तो काफी अच्छा होगा। बाकी सटीक निर्णय दोस्तों आपकी कुंडली के आधार पर ही किया जा सकता है, जनरल अभी इस महीने ग्रहों का गोचर इस प्रकार चल रहा है। दोस्तों मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं जिससे आपको काफी मदद मिलेगी इस महीने, अगर आप ये उपाय करते हैं तो जो आपको नुकसान होने वाला है वो आपको नहीं होगा। दोस्तों शिवलिंग पर आप शहद से अभिषेक अगर करते हैं तो आपको जिस तरह से शहद में मिठास होती है उसी तरह से कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में मिठास आ सकती है इस तरह से, और आपको काफी फायदा मिलेगा। दूसरा दोस्तों आप जहां पर भी बैठते हैं, जहां चाहे ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में, चाहे घर पर बैठे हैं घर पर, अपने सामने दोस्तों गणपति की तस्वीर मूर्ति या छोटे गणपति अवश्य रखें, अपने साथ अवश्य इस महीने गणपति रखिए, इससे आपको जो पैसों का नुकसान होने वाला है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, गणपति जी आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो भी जरूरतमंद आपको दिखे आप उसकी मदद करिए, आपको काफी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ओवरऑल मेष राशि के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग वाला महीना रहेगा, थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर पैसों के निर्णय थोड़े से सावधानी पूर्वक लीजिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये जो राशिफल आपको मैंने बताया है आपको काफी पसंद आएगा, और इससे आप अपना आने वाला महीना जो जुलाई महीना जो आ रहा है ये आप प्लान कर सकते हैं कि आपको किस तरह से आगे चलना है। दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, आने वाली वीडियो में मैं बाकी राशियों के बारे में भी बताऊंगा, और अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने सारे दोस्त जो मेष राशि के हैं उनके साथ ये शेयर करिए ताकि वो भी अपने महीने को और बेहतरीन बना पाए। दोस्तों इसके अलावा मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई सवाल है, आप किसी परेशानी में हैं, या आप भी मेष राशि के हैं पर आपको पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, दोस्तों कमेंट में अपने परेशानी लिखिए, या आप ईमेल के जरिए या आप कॉल के जरिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।